अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, खूबसूरत नज़र आना हर किसी की ख्वाहिश होती है, क्योंकि आज हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ खूबसूरती बहुत अहमियत रखती है। इसलिए मैं आज आपको एक वाइटनिंग मास्क के बारे में बताऊँगी जो कि नेचुरल ब्यूटी देगा। इसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहले रॉ मिल्क यानी पाउडर का दूध, जो कि हमारी स्किन को स्मूथ शाइनी सॉफ्ट बनाता है और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है शहद यानी हनी, ये स्किन को साफ करता है, चेहरे से झाइयाँ झुर्रियाँ ख़त्म करता है, दाग धब्बों को मिटाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स है लेमन जूस, ये स्किन से डस्ट को साफ करता है। लास्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास है बादाम का तेल, ये स्किन से झुर्रियाँ और एक्ने को ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन कौन से इंग्रेडिएंट को कितनी कितनी मिकदार में लेना है ये बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को भी क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन शेयर हो जाए। स्किन वाइटनिंग मार्क्स सिया धब्बे को सफ़ेद बनाने, जल से दाग धब्बे ख़त्म करने और झुर्रियाँ मिटाने के लिए बेहतरीन और सस्ता मास्क है। मास्क बनाने के लिए आपको मंदरजा ज़ीर अज़ा की ज़रूरत होगी। मिल्क पाउडर 1 टीस्पून, शहद 1 टीस्पून लेंगे। रोगन बादाम यानी बादाम का तेल हम 1/2 टीस्पून लेंगे। लेमन जूस 1 टीस्पून लेंगे। सबसे पहले एक प्याले में शहद, मिल्क पाउडर, लेमन का रस और बादाम का तेल अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बनाना है। फिर इसे चेहरे पर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लेना है। मास्क को हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करें। इससे चंद दिन में आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और रंगत गोरी हो जाएगी। सुनाजरी, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।